ओ भयंकर सर्दी हो रही भाई, पंखा ऑन करता हूँ एक पे। क्लियरली मेरी सर्दी बढ़ गई है, लेकिन आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस वीडियो, सो आई एम गोना बी डूइंग दिस वीडियो आज के आज, एंड आई एम गोना बी एंडिंग द वीडियो आज के आज। वेलकम टू द चैनल, मेरा नाम है फ्लोरेंस, मेरा नाम जॉनी भी है, आप शायद दोनों नामों को जानते हैं मेरे, एंड आप जो चैनल देख रहे हैं इसका नाम है टेक फेस। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मेरे कंप्यूटर का फेयरवेल वीडियो है, यानी कि आज के दिन मैं अपने कंप्यूटर को शायद आखिरी बार इस्तेमाल करूंगा किसी यूट्यूब के वीडियो को एडिट करने के लिए। बिकॉज इन केस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको ये बात पता नहीं होगी कि मैं एक्चुअली मैं अपना कंप्यूटर को अपग्रेड कर रहा हूँ। एवरी सिंगल पार्ट विल बी न्यू इन दिस ब्रांड न्यू पीसी फॉर विच आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। सर्दी के कारण ना मैं इतना शो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट है। और उसके अलावा ना आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सिंस आई एम गोना टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर आई मेड फॉर दिस चैनल, यानी कि इस चैनल को शुरू करने के लिए जो कंप्यूटर मैंने बनाया था कि हाँ भाई मैं इस कंप्यूटर से एडिटिंग करते हुए चैनल को आगे बढ़ाऊंगा, उस कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आई ऑल्सो हैव टू टेल यू कि ये चैनल को शुरू करने के पहले मैं किन लोगों को देख कर इंस्पायर हुआ था। ऑफकोर्स लाइनस टेक टिप्स, ऑफकोर्स जे दी टू सेंट्स यानी कि जे, और ऑफकोर्स ऑसम सॉस नेटवर्क ए बिटविट, एंड ऑफकोर्स पॉल्स हार्डवेयर। ये चार लोग तो एकदम यू नो टॉप नॉच लेवल के यू नो इंस्पिरेशन थे। आई नो कि लॉट ऑफ पीपल माइट बी टेलिंग मी कि ब्रो तूने हार्डवेयर बॉक्स का नाम नहीं लिया, तूने गेमर नेक्सस का नाम नहीं लिया, लेकिन जब अपन स्टार्ट कर रहे थे ना तब ये चार प्लेयर ही मेन थे। एक्चुअली ये चार प्लेयर नहीं थे, देयर वॉज ऑल्सो दिस वन मोर प्लेयर एंड दिस गाय वॉज फ्रॉम इंडिया। तो एक भारतीय इंडियन OG PC यूट्यूबर वॉज ऑल्सो माई इंस्पिरेशन। दिस गाय इज नन अदर देन बंटू टेक टिप्स की साइड से बंटू। सो इन केस यू हैव नॉट सीन हिज चैनल येट, आई वुड हाईली रिकमेंड यू हिज चैनल, तो अब जाके चेकआउट करें, आप फॉलो कर सकते हैं। अब क्योंकि जो मेरा नया कंप्यूटर बनने वाला है उसके सारे के सारे पार्ट्स अभी तक घर पे मेरे आए नहीं है, सो आई के नॉट डू अन अनबॉक्सिंग वीडियो और आई के नॉट डू एनी बिल्ड वीडियो, तो इसलिए एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है आज मेरे पास में टू जस्ट रिविजिट माई करंट सिस्टम, उसको रिविजिट करूँ एंड उसको प्रॉपर फेयरवेल यू नो पे ऑफ करूँ। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना बी डूइंग टुडे। सेक्शन नंबर वन शुरू करते हैं वीडियो का, दिस इज चैप्टर नंबर वन स्पेसिफिकेशंस। आज से लगभग 4 साल पहले की बात है कि सर्कल ने एकदम ब्रांड न्यू कैबिनेट्स मार्केट के अंदर लॉन्च करे, एंड मैंने जाके सबसे पहले सबसे महंगा वाला कैबिनेट सर्कल का परचेस कर लिया, एंड क्या तो हाइप्ड अप मोमेंट था मेरे लिए, इट वॉज सच एक्साइटेड मोमेंट, आई कैन नॉट टेल यू बट आई कैन एब्सोल्युटली शो यू। पता है कौन आया? मेरा नया कैबिनेट। अगली चीज ऑफ कोर्स है सीपीयू प्लस मदरबोर्ड का कॉम्बो, एंड आई हैव बीन यूजिंग इंटेल कोर i7 7700 सिंस अ गुड लॉन्ग टाइम विद द एसुस का Z170A प्राइम मदरबोर्ड। काफी अच्छा सेटअप है ये, लेकिन इन सब चीजों के पहले एक्चुअली सबसे पहले जब मैंने चैनल चालू किया था उस टाइम पे आई वाज यूजिंग दिस एसुस का Z170 प्रो गेमिंग मदरबोर्ड, क्या ओजी मदरबोर्ड है वो, विद द इंटेल कोर i3 6100। विद दैट मदरबोर्ड आई वाज एबल टू ओवरक्लॉक माय i3 एट 4.4 GHz। कैन यू बिलीव एन i3 रनिंग एट 4.4 GHz। अब मैं कोई एसुस का फैन बॉय नहीं हूँ, लेकिन जब जब मुझे अपने पैसों से खरीदना होता है मदरबोर्ड आई ट्राई टू रिसर्च प्रॉपरली, एंड जब जब मैं ढंग से एकदम रिसर्च करता हूँ जो टॉप पे कंपनी आती है वो एसुस ही होती है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव ऑलवेज बॉट माई सेल्फ एसुस के मदरबोर्ड्स, दे आर बेसिकली किलर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, लेकिन मोर ऑन दैट थिंग लेटर, सो वील टॉक अबाउट दैट थिंग लेटर। अभी के लिए फोकस करते हैं ऑन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज की वॉट रैम आई वॉज यूजिंग। आई हैव बिन रिकमेंडिंग पीपल शुरू से ही कि बाय द कोर्सेयर वेंजेंस की LPX वाली रैम, बिकॉज दे आर द लेजिट क्रेजी क्वालिटी रैम, एंड दैट इज एक्जैक्टली वॉट आई हैव बिन यूजिंग सिंस लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। मेरे पास में है 8 GB की टोटल मिला के 3 sticks, दैट इज 24 GB ऑफ रैम। फ्रीक्वेंसी है तीनों की एट 3000 MHz, जो कि मैंने ओवरक्लॉक करी हुई है, एंड यहाँ पर 24 GB की रैम प्लेंटी होती है मेरे काम के हिसाब से। एंड उसके अलावा जो मैं ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर वो है GTX 970, जिसको मैंने कस्टम वाइट पेंट भी करा था। एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर एक 512 GB की क्रूशियल P1 NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव, एंड हार्ड ड्राइव के अंदर मेरे पास में है सीगेट भी है, वेस्टर्न डिजिटल भी है, मतलब सब कुछ है। टोटल मिला के है 6 TB का हार्ड ड्राइव स्टोरेज, एंड एवरीथिंग इज गेटिंग पावर्ड बाय एन एनटेक 750 W का गोल्ड सर्टिफाइड PSU। सो दोज वर द पार्ट्स ऑफ माय सिस्टम। चैप्टर नंबर टू,
इस कंप्यूटर को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था, दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम कमिंग कि ये तो होना ही है। लेकिन इस बात के अंदर कोई डाउट नहीं है कि आज तक आई हैव गेन्ड अराउंड 40K सब्सक्राइबर्स एंड एवरी सिंगल सब्सक्राइबर इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीसी ऑफ माइन। सो इफ आई हैव टू थैंक समवन, अगर मुझे किसी का शुक्रिया अदा करना पड़े तो आई विल थैंक माई डैड फॉर बाइंग मी द फर्स्ट एवर पीसी, आई विल थैंक माई डैड अगेन फॉर बाइंग मी दिस पर्टिकुलर पीसी एंड आई विल थैंक दिस पीसी फॉर लेटिंग मी अरेंज द फंड्स टू बाय द सेकेंड पीसी। सो मैं कोई भी पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा हूँ, आई एम इन्वेस्टिंग एवरी सिंगल पेनी इन द कंप्यूटर चैनल सेल्फ एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एकदम फिंगर क्रॉस करके एकदम ट्राइंग टू डू फॉर द बेस्ट। एंड आई विल ऑल्सो हैव टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज फॉर बींग हियर एंड ट्राइंग टू जॉइन मी इन द जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। प्लीज गूगल करिए क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन अगर नहीं पता हो तो, इन द जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ऑफ दिस चैनल एंड माई ओन सेल्फ एंड फॉर बाइंग स्टफ फ्रॉम Amazon की अफिलियट लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड इन केस यू हैव नॉट येट बॉट एनीथिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो वाली लाइन वाली लिंक देन जस्ट गो अहेड एंड बाय समथिंग मैन, जस्ट हेल्प मी आउट इन चैनल बिकॉज काफ़ी खर्चा हो गया इस बार तो, और जो खर्चा हुआ है ना यार खुशी के बारे में पागल हो रहा हूँ। सो अब जब नया कंप्यूटर आ जाएगा जो कि मतलब आने ही वाला है, सारे के सारे पार्ट्स मतलब घर पे आ गए हैं, कुछ पार्ट्स आ गए हैं, अभी तक CPU नहीं आया मेरे पास, तो जब CPU आ जाएगा तो जस्ट आई इवन डू सम स्ट्रीमिंग। सो जस्ट लेट मी नो विच आर द गुड गेम्स दैट कैन गिव मी सम मोर व्यूज एंड जस्ट डू दैट फॉर मी। मिलेंगे इन द नेक्स्ट वन, जो अगला वीडियो होगा ना वो बहुत ही लेजिट अमेजिंग और क्रेजी वीडियो होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं तो एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे मालूम है कि क्या चल रहा है। अभी पिछले पूरे के पूरे हफ्ते के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान दिया है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आई वॉज ट्राइंग टू मीट पीपल ऑनलाइन, आई वॉज ट्राइंग टू डू सम अरेंजमेंट्स, लेकिन फाइनली एवरीथिंग इज डन एंड अब बस एग्जीक्यूशन का टाइम है एंड आई एम हैप्पी बिकॉज अब मुझे सही दिख रहा है कि सब कुछ एकदम सही जा रहा है। सो मिलते हैं द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस, पीस। Subscribe.